3 साल से पेट के दर्द से जूझ रही महिला को राजावाड़ी अस्पताल के डॉक्टरों ने दिलाई निजात। 8 किलो के गांठ को निकाला बाहर, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के घाटकों पर परिसर के राजावाड़ी अस्पताल का एक काफ़ी सराहने लायक डॉक्टरों का काम हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 8 किलो का गांठ जो है ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बाहर निकाला। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है, 35 वर्षीय महिला जिसका नाम लता यादव है, वो काफ़ी परेशान थी 3 सालों से अपने पेट को लेकर के। काफ़ी उसे दर्द होती थी, जिस दर्द के चलते वो दवाई लेते रहती थी, लेकिन वो राजावाड़ी अस्पताल में गई और राजावाड़ी अस्पताल में जाने के बाद वो उपचार के लिए खड़ी हुई, तो वहाँ पर डॉक्टर अजय गुर्जर द्वारा जो है जांच की गई। तो जांच के बाद ये मालूम पड़ा कि महिला के पेट में जो है गांठ आ चुकी है, मोटा गोला बन चुका है, जिसको ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। यही बात जो है डॉक्टर ने महिला को बताई, तो महिला ने इस बात से इनकार किया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और ऐसे में कैसे मैं ये ऑपरेशन करा सकूंगी। तो डॉक्टर अजय गुर्जर ने उन्हें सलाह दी कि राजावाड़ी अस्पताल में फ्री में उपचार होगा आपका। तो 5 अगस्त को ऑपरेशन किया गया और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है गांठ को काट कर बाहर निकाला गया। 8 किलो का गोला था, जिससे महिला को काफ़ी राहत हुई। देखिए क्या कुछ महिला ने जानकारी दी है और कैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद क्या जानकारी दी है। आपको भी हम बता दें, छोटी मोटी जो दर्द होते हैं उनको हल्के में ना ले, ऐसे में डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले और जितना हो सके जो है ये मत सोचिए कि पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा। सरकारी अस्पताल जाए, अच्छे से इलाज होता है। तो आप भी जितना भी हो सके छोटी मोटी बीमारियों को जो है नजरअंदाज ना करें। तुम्हाला कशाचा त्रास होत होता, तुम्ही डॉक्टरकडे आले, काय सर्जरी केली तुमची, कशाचं ऑपरेशन केलं? हा, माझ्या पोटातले दुखायचं सर। हा, 4-5 वर्ष झालेले पोटात दुखत होतं, कामाला पण नाही जायची, आणि मग लय अचानक झालं। मग बहिणीची मुलगी बोलली आपण जाऊया म्हणून इकडे राजेवाडीमध्ये, असं दुसरा कण लय त्रास व्हायचा, पोट फुगत फुगतच चाललं आतमध्ये, आम्हाला काय माहितीच नाही असं। आता 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 एकदम क्लियर झालं सर, आता बरं वाटतंय मला। परत कामाला लागणार? हा, लागणार ना, परत कामाला लागणार। हा सर, एक ऑपरेशन हुआ है, किस तरीके से क्रिटिकल था, कितना समय लगा और वो जो पेशेंट है वो पेशेंट को कैसे बचाया गया, क्या बताएं? मैं डॉक्टर अजय गुर्जर, यहाँ का सीधे कंसल्टेंट हूँ राजावाड़ी हॉस्पिटल में। ये मेरे को कंसल्टेंट है और डॉक्टर विद्या ठाकुर हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही गरीब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में, जो 35 ईयर्स ओल्ड थी, वो बड़ा ट्यूमर लेके पेट में आ गई। उसका ट्यूमर इतना बड़ा था कि वो काम नहीं कर सकती थी, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकती थी और वो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसी वजह से हम लोगों ने तय किया कि ये इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर का साइज़ काफ़ी बड़ा था। हम लोगों ने प्री ऑपरेटिव ये पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन किए, करवाए, MRI किए, CT स्कैन किए और ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए। वहाँ पे हमें पता चला कि पेशेंट के शरीर में खून बहुत कमी है, तो हमें लगा इसे जल्दी हम लोग एडमिट करके पहले खून देंगे। उसको प्रिपेयर किया गया, पूरा ऑपरेटिव की तैयारी की गई और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला ये जो ट्यूमर है वो पूरा बड़ा होके अपने जो पेशाब की नली नीचे जाती है किडनी से, वहाँ पे चिपका हुआ है। इनफैक्ट बड़ी आंतड़ी को भी ये ट्यूमर चिपका हुआ था और वो निकालने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे, लेकिन वो अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये ट्यूमर को बहुत अच्छी तरह से निकाल के, कहाँ बाकी के ऑर्गन को इंजरी नहीं करके, ये सर्जरी हम लोगों ने सक्सेसफुली पार की। ये सर्जरी होने के लिए जितना प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, तीनों टाइम का जो मैनेजमेंट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और लकीली हमारे राजावाड़ी हॉस्पिटल में ये सुविधा सब उपलब्ध होने की वजह से इतना बड़ा ट्यूमर हम लोग यहाँ पे निकाल पाए। ये आज वो पेशेंट सक्सेसफुली ऑपरेट होके अपने घर जा रही है और इससे हमें बहुत खुशी है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ट्यूमर अभी पूरे अपने जनता में या जनरल पॉपुलेशन में इग्नोर नहीं होने चाहिए। आप कभी भी ट्यूमर आपको कहाँ पे भी बॉडी पार्ट में हो, जल्दी से जल्दी जाके आप बताइए,
आपको अगर पैसे का प्रॉब्लम रहेगा तो आप राजावाड़ी जैसे हॉस्पिटल में आइए जहाँ पे हम लोग पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऑपरेशन पूरी तरह पे फ्री होता है, तो आप बिना झिझक हमारे पास आइए, आपके कोई भी ऑपरेशन हम लोग एकदम सही तरीके से आपको करके देंगे। इसके लिए आप प्लीज़ ये ट्यूमर को इग्नोर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाइए, ये मुझे आप सबसे विनती है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।